हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज का हमारा टॉपिक है क्लास ट्वेल्थ का मैथमेटिक्स, जिसमें हम पढ़ रहे हैं डिटरमिनेंट्स सारणी। और आपने हमारा प्रीवियस वीडियो देखा है तो मैंने उसमें सारणी के बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको समझाया था और 2x2 के सारणी को सॉल्व करना भी सिखाया था क्रॉस मल्टीप्लाई से। फिर मैंने आपको माइनर उपसारणी, कोफैक्टर, ये सब आपको समझाया था। आज हम अब इसके मेन टॉपिक पर एंट्री करेंगे और वो है इसकी प्रॉपर्टीज, इसके प्रगुण जो हम डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, आज के इस क्लास में हम जो आप कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे वो डिटरमिनेंट्स का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसी कॉन्सेप्ट पर पूरा हमारा डिटरमिनेंट्स चलता है। तो आप पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ इस वीडियो को देखिए, फिर आपसे क्वेश्चन अपने आप बनने लगेंगे। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि सपोज अपने पास कोई एक डिटरमिनेंट है डेल, डेल इक्वल, सपोज मैंने एक डिटरमिनेंट्स लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इस डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। एक मेथड है इसको डायरेक्ट ओपन करना, सीधा सीधा इसको ओपन करते हैं अपन बिना कुछ किए। वो कि जैसे हमने आपको 2x2 को बताया था कि डायरेक्ट ओपन कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा। यहाँ पर हम देखेंगे कि 3x3 को हम किस प्रकार से डायरेक्ट ओपन करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो दैट इक्वल, अब इसको हम सॉल्व करने के लिए इसका जो रूल है, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट है, इसको आप कोफिशियंट में लिखोगे, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझना, 1। इसके बाद आप ब्रैकेट लगा के इस रो, आप इस रो और इस कॉलम के एलिमेंट्स को आप छोड़ दोगे जिसमें ये एलिमेंट है, तो 2x2 का डिटरमिनेंट्स बन जाएगा, जैसे अपन माइनर में पढ़े, कल पढ़े अपन प्रीवियस वीडियो में। तो उसके बाद इसके साथ इसका मल्टीप्लीकेशन होगा, तो ये हो जाएगा 9। एक बार मैं डिटेल में लिख देता हूँ, 5 × 9 ये हो जाएगा, और फिर माइनस होगा और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 × 8 ये हो गया। इसके बाद आप जब 2 के लिए सॉल्व करेंगे सेकंड एलिमेंट के लिए, तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, ये हो जाएगा -2, प्लस के बाद माइनस आता है। -2 के लिए सॉल्व करेंगे तो इसके कॉलम और उस रो के एलिमेंट को अपन छोड़ देंगे, इसके रो के और उसके कॉलम को ये छोड़ देंगे, तो ये बचेगा ये चारों। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इसका इसके साथ में, तो हो जाएगा 4 × 9 − 6 × 7 ये होगा। इसके बाद हम थर्ड एलिमेंट के लिए सॉल्व करेंगे इसको, तो फिर प्लस होगा, ये प्लस होगा, पहले प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है। तो इसके लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो इसके रो को और इसके कॉलम के एलिमेंट्स छोड़ देंगे अपन, ऐसा आप निशान नहीं लगाना ना सॉल्व करते समय, उसको आप दिमाग में रखना, मैं समझाने के लिए हाईलाइट कर रहा हूँ मैं। तो ये 4 एलिमेंट्स मिलेंगे, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 × 8 − 5 × 7 ये हो जाएगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई करिए, दैट इक्वल 1 का मल्टीप्लीकेशन कुछ मतलब नहीं, 1 9 × 5 9 × 5 45 हो जाएगा, ये −6 × 8 48 हो जाएगा, ये −2, यहाँ पर देखिए 9 × 4 36 माइनस, ये हो गया 42, प्लस 3 यहाँ पर 32 और −35 ये सॉल्व कर लेंगे। आगे हम इसको और सॉल्व कर लें, दैट इक्वल ये हो जाएगा −3, अब यहाँ पर ये −2, इसमें से माइनस करेंगे तो 36 कितना हो जाएगा, 6 होगा, −6 होगा, माइनस के साथ इसका मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 12। और यहाँ पर फिर आप देखिए इसमें से 3 − 3 होगा और ये 3 − 9 −9, अब यहाँ देखिए −9 − 3 − 12 होगा और +12 के साथ कैंसल आउट होके 0 आ जाएगा ये।
तो इस प्रकार से हम इसको आप एक ही क्वेश्चन में आप समझ लीजिए कि डिटरमिनेंट्स को हम किस तरह से ओपन करते हैं। ऐसी हम वेक्टर अलजेब्रा में दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को भी ओपन करते हैं डिटरमिनेंट्स सारणी के विधि से। ये है इसको डायरेक्ट ओपन करने का प्रोसेस। देखिए डिटरमिनेंट्स एक ऐसा मैथमेटिक्स है जिसमें हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद उसके क्वेश्चन आपसे कितने तेजी से बनेंगे और कितने कॉन्फिडेंस से बनेंगे ये टोटल आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। हर मैथमेटिक्स का अपना एक बिहेवियर है। वैसे तो मैथमेटिक्स के हर टॉपिक में प्रैक्टिस चाहिए लेकिन ये कुछ अलग टाइप का ही टॉपिक है और आपका अपना खुद का टेक्निक हो सकता है। तो धीरे धीरे मैं उन बातों को बताते जाऊँगा, धीरे धीरे उस कॉन्सेप्ट पर एंट्री करूँगा और एक मतलब आप उस कॉन्सेप्ट को पकड़ के प्रॉपर वे में प्रिपरेशन किए जैसा मैं चाहता हूँ तो आपके लिए डिटरमिनेंट्स बिल्कुल इतना इजी मैथमेटिक्स हो जाएगा, बहुत इंजॉय करो आप इसमें। अदरवाइज स्टूडेंट इसको समझ ही रहता तो उलझे रहता है। तो थोड़ा सा आज का वीडियो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट है डिटरमिनेंट्स के लिए, क्योंकि आगे जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे आज के लेक्चर पर ही मेरा पूरा बेस्ट होगा। तो ये मैंने आपको बताया इसको डायरेक्ट ओपन करना, क्लियर, क्योंकि इसमें स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न बहुत है कहाँ ओपन करेंगे, कहाँ पर प्रॉपर्टी लगाएंगे। अभी मैं धीरे धीरे आता हूँ प्रॉपर्टी पर। अब आप सोचो, आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर हम सभी क्वेश्चन को इस तरह से ओपन कर सकते हैं तो और इसमें सीखने को क्या है, बस कोई भी क्वेश्चन मिले इस तरह से ओपन कर देंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात आपने ध्यान दिया होगा, अभी मैंने सिंगल डिजिट लिया है। सपोज ये सब डिजिट को मैं 4 डिजिट 5 डिजिट में नंबर ले लूँ और ऐसी आपको ओपन करने के लिए बोलूँ तो बिना कैलकुलेटर के हमारी हालत ख़राब हो जाएगी। यह हो सकता है ना भी बने, बहुत सारा क्वेश्चन ना भी बने। तो इस तरह से डायरेक्ट ओपन करने में क्या आया, प्रॉब्लम आया कि इस प्रकार से हम डायरेक्ट ओपन करेंगे तो हमको उसमें प्रॉब्लम आता है क्योंकि इसके जो वैल्यू से बड़े बड़े हो जाते हैं या कई जगह वेरिएबल्स होंगे, एक्स वाई जेड यूज़ होंगे, ABC यूज़ होंगे तो दिक्कत आता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक ईजी मेथड डेवलप किया गया, उसके लिए हमको प्रॉपर्टीज़ पढ़ने पड़ते हैं। तो इसमें क्या है, 7-8 प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन को बिना एक्सपांड किए, बिना इस तरह से सीधा विस्तार किए हम प्रॉपर्टी लगा के यूज़ करते हैं। तो डिटरमिनेंट्स का जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यदि समझा जाता है या टीचर के द्वारा समझाया जाता है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द डिटरमिनेंट्स, मतलब सारणी के प्रगुण। और उन प्रगुणों को जब हम सीख जाते हैं तो प्रगुणों को सीखने के बाद फिर हम उसको आसानी से बना पाते हैं। यहाँ पर एक बहुत मज़ेदार बात, इस एग्जाम्पल को मैं लिया हूँ तो आपको बता दूँ, मैं थोड़ा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसका आपको एक मैजिकल एक जादुई कारण बता रहा हूँ मैं, देखो, जो मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। और मैं हमेशा इसी क्वेश्चन को लेकर, मैं तो 50 क्वेश्चन ले सकता था लेकिन इसी को लेकर पढ़ाता हूँ। तो आप यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन आप ध्यान दिए होंगे, हमारे पास सिंगल डिजिट के 10 डिजिट्स होते हैं, 1 से लेके 0 से लेके 9 तक। कितना मज़ेदार बात है, आप यहाँ देखो 0 से यदि हम नंबर को, वैसे तो 0 9 के बाद आया, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बारी था 0 का, वो यहाँ है। तो मज़ा आता इस क्वेश्चन को, मैं बचपन से जब मैं खुद स्टूडेंट था तो मैं इस क्वेश्चन को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व किया और टीचिंग में आने के बाद तो मैं और उसको ऑब्जर्व किया। इतना एक यूनिक क्वेश्चन है डिटरमिनेंट्स का जिसमें 1 से लेके पूरे 0 तक के डिजिट यूज होते हैं सब के सब, और ये 1 से लेके 9 तक का जो डिजिट होता है वो क्वेश्चन में रहता है और 0 बच जाता है वो इसका आंसर होता है, अब प्रॉपर ऑर्डर में। तो एक मज़ेदार बात है, और इसमें कुछ मज़ेदार बात आपको बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। हालांकि ये सब तो डिस्कस मुझे बहुत बाद में करना था लेकिन अब फिर इसी से क्वेश्चन पर कहाँ डिस्कस करूँगा, इसलिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। ये तो आप समझ गए हैं कि यदि इसको हम सॉल्व करें तो इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। इसका आंसर 0 है तो इक्वल टू 0 मैं लिख सकता हूँ। अब इसमें कुछ मज़ेदार बात देखिए, इसका आंसर 0 है, क्लियर। ये हमको पता चल गया कि 1 से लेके 9 तक हम ऑर्डर में प्रिपेयर करें इसका डिटरमिनेंट्स का वैल्यू 0 आता है। अब मैं क्या किया, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन बनाने के लिए सपोज मैं यहाँ से 9 को गायब करके मैं लिख दिया x, और क्वेश्चन में मैं बोल दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान ज्ञात कीजिए करके।
तो जिसको इस तरह से जैसे मैं समझाना चाह रहा हूँ वैसा प्रैक्टिस यदि नहीं है तो क्या करेगा, ये पूरा डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करेगा, राइट साइड में जीरो लगेगा, सॉल्व कर कॉम्पिटिटिव की बात कर रहा हूँ ना, एमसीक्यू की बात कर रहा हूँ, फिर पूरा सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकालेगा। लेकिन जिसको हम लोगों की तरह कॉन्सेप्ट क्लियर हो वो क्या देखेगा, क्वेश्चन तो उसको याद है, तो क्या यहाँ मिसिंग एलिमेंट्स क्या है, कौन मिस हुआ है, 9, और 9 की जगह वेरिएबल एंट्री कर दिया एक्स, तो नेचुरली हम देख के बता देंगे कि वहाँ पर एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 9 आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको, तो यहाँ से यहाँ 9 होगा तभी तो 0 होगा। अब कहीं पर भी इसको मैं डाल दूँ एक्स को, कहीं पर भी डाल दूँ मैं एक्स को, देखो सपोज मैं यहाँ पर डाल दिया एक्स को, ये एक्स को मैं यहाँ डाल दिया और बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स इज 8। और क्वेश्चन को थोड़ा हम कॉम्प्लिकेटेड कर दें, अब ये मैं नीचे का मिटा देता हूँ, आप इसको समझ गए होंगे, डायरेक्ट ओपन करना, ये तो मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ, अभी तो हम इसको प्रॉपर्टी पर एंट्री करेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे, ताकि मैं चाहता हूँ मेरे स्टूडेंट डिटर्मिनेंट्स में ऐसा काम करें कि उसके सामने क्वेश्चन हो फटाफट उसको स्टेप ओवरऑल पता चलना चाहिए, ये करूँगा, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसके लिए जरूरी है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखो हमेशा मेरे इतने वीडियो आप देख रहे हैं मैथ्स के भी फिजिक्स में भी, मेरा हमेशा फोकस कॉन्सेप्ट पर रहता है, आप चीज़ों को इतनी गहराई तक समझ जाओ कि उसके बाद फिर आपको सारा चीज़ आसान लगने लगे, और यदि आपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया तो ईजी भी आपके लिए डिफिकल्ट। देखो मैं एक क्वेश्चन पर इतना डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ, अब सपोज इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आप समझ गए इसका वैल्यू 0 होता है, तो सपोज यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कई एलिमेंट को मैं क्या कर देता हूँ, मिसिंग एलिमेंट कर देता हूँ, कई एलिमेंट को मिसिंग एलिमेंट बना देता हूँ। जैसे देखो यहाँ मैं x लिख दिया, सपोज यहाँ पर मैं y लिख दिया ये, और सपोज यहाँ पर मैंने z लिख दिया, देखो कितना मज़ेदार क्वेश्चन हो जाता है, ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है। अब उसमें बोल दिया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x y एंड z, और आपको ऑप्शन में ए ऑप्शन में लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया एक्स वाई जेड, प्रॉपर ऑर्डर में रहेगा ना एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर लिख दिया 4 8 7, बी में लिख दिया 4 6 8, सी ऑप्शन में लिख दिया एक्स वाई जेड का वैल्यू ना एक्स मतलब 8, सही आंसर बना रहा हूँ मैं, वाई 4 और जेड मिसिंग में क्या है 6, ये बना दिया, और डी में लिख दिया नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, ऐसा। तो इसको सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट है, यदि प्रॉपर ऑर्डर में जाके आप सॉल्व करोगे तो बहुत ही डिफिकल्ट है, इसको ओपन करोगे फिर सिंगल मिलेगा, फिर आप एक्स वाई वैल्यू को पुट, यदि किसी को प्रैक्टिस है 1 2 3 4, वाई का वैल्यू 4, वाई का वैल्यू ये 4, 5 6, जेड का वैल्यू 6 7 8, एस का वैल्यू 8, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और उसमें एक मज़ेदार फैक्ट भी है कि 1 to 9 आंसर इज 0, जो मैं स्टार्टिंग में डिस्कस किया, क्लियर। तो ये होता है किसी भी डिटर्मिनेंट्स को डायरेक्ट ओपन करना, लेकिन मैं अभी आपको बताया, देखिए अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ और उसको मैं एक एग्जांपल, उसके बाद आपको प्रॉपर्टी में समझाऊंगा। मैं यदि चाहता, देखो एक वे ऑफ टीचिंग होता है, बताने का तरीका होता है कि मैं स्टूडेंट को किस तरह से बताऊं कि चीज़ों को प्रॉपर वे में रिसीव करें, तो मैं आपको सॉल्यूशन बताने से पहले प्रॉब्लम बता रहा हूं। अभी हमने 1 से 9 तक ओपन कर दिया, फटाफट 0 आंसर ले आया। सपोज़ मेरे पास एक ऐसा क्वेश्चन है, सपोज़ हम एक नया क्वेश्चन लिखते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा 1 1001 1001 एंड 998 998, इसके बाद 1 1002 एंड नेक्स्ट एलिमेंट इज 999 999, नेक्स्ट इज 1 1003 एंड 1011, कुछ भी लिख दिया अभी, 1 1 1, ये मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है। अब यदि आपको इसको सॉल्व करने के लिए दिया जाए,
यदि आप इसको साल्व करने के लिए दिया जाए तो पहले वन के लिए आप साल्व करोगे तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, इस रो को और इस कॉलम को छोड़ोगे तो ऐसा करोगे। इसी खाए में भी आपको, अब सोचो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है छोटा सा। अब इसमें इसका मल्टीप्लाई करूँगा, फिर इसमें इसका मल्टीप्लाई करूँगा और उसको माइनस करूँगा, आपका तो क्या होगा मुझे पता नहीं। मुझे ये काम दे दिया जाए तो मेरी हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि अपन हायर एजुकेशन हायर क्वालिफिकेशन के बाद डिजिट्स को मल्टीप्लाई डिवाइड करने में बहुत लेंदी वर्क लगता है। और टीचर का ऐसा भी हैबिट क्या, मेरे को बोलोगे तो मैं कैलकुलेटर से फटाफट सॉल्व करके आपको आंसर निकाल के बता दूंगा कि भाई ऐसा ऐसा आंसर है, लेकिन मैनुअली उसको करना है तो टाइम टेकन है, दैट मीन्स ये टाइम टेकन है। तो हुआ क्या, डिटर्मिनेंट्स में डायरेक्ट ओपन करने का जो कॉन्सेप्ट था वो ठीक था, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड और लेंदी होते गया। कब, जब डिजिट्स क्या होते गए, बड़े होते गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो बढ़िया मजा आया, उसको फटाफट अपन ओपन कर दिए। लेकिन यहाँ पर हमको मुश्किल होगा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसमें कुछ प्रॉपर्टीज डेवलप किए गए और उस प्रॉपर्टी के हेल्प से हम इसको बहुत आसानी से बना सकें। तो पहले हम वो प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, फिर अगेन मैं इसी क्वेश्चन को लूँगा और देखिए जो आपको ही बहुत कठिन लग रहा था है उसको मैं करना नहीं चाह रहा हूँ, उसको करने का मतलब नहीं, आप तो देख ही रहे हो, फिर इसका मल्टीप्लाई। तो जो बहुत डिफिकल्ट लग रहा था बिल्कुल चुटकी बजाते बन जाएगा, कब, जब हमको प्रॉपर्टी पता रहेगा। तो अब हम पूरे कॉन्सेंट्रेशन से अपनी प्रॉपर्टी पर फोकस करते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन आप कितना अच्छा बना सकोगे ये सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि आप प्रॉपर्टी कितने सही तरीके से अप्लाई कर पाओगे। इसीलिए मैं इतना ज़्यादा जोर देके अपनी बात को प्रॉपर्टी सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार स्टूडेंट क्या करता है, प्रॉपर्टी पर ध्यान नहीं देता वो और क्वेश्चन बनाना शुरू कर देता है। तो भाई हम जिस मेथड से उसको बनाने वाले हैं वही हमको पता नहीं, तो फिर तो क्वेश्चन डिफिकल्ट लगेगा। इसलिए आज के वीडियो में तो मेरा पूरा फोकस है कि पूरी प्रॉपर्टी आपके दिमाग में पूरा फिट कर दूं मैं, ताकि क्वेश्चन पर आप अप्लाई करो तो फटाफट अप्लाई करो। चलिए अपन डिस्कस करते हैं फिर प्रॉपर्टीज़ पर, ठीक है। पहले हम प्रॉपर्टी समझ लेते हैं इसके बाद फिर एक दो क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में फिर इसके बहुत से क्वेश्चन बनाएंगे। ये डस्टर तो हटा दूँ। देखिए मैं आपको वन बाय वन इसकी प्रॉपर्टीज़ को, प्रगुण, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, प्रॉपर्टीज मतलब प्रगुण पर डिस्कस करते हैं अपन क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो वन बाय वन इसके प्रॉपर्टी को थोड़ा ध्यान से समझते जाना। देखिए सपोज एक डिटर्मिनेंट्स है अपने पास इस तरह से, यहाँ पर मैं सब डिटर्मिनेंट्स को 3x3 का ही एग्जाम्पल लेकर बता रहा हूँ, क्योंकि कॉमन हम उसी पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये रो के एलिमेंट है सपोज a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। ये प्रॉपर्टी कहता है, फर्स्ट नंबर का प्रॉपर्टी कहता है कि यदि किसी भी डिटर्मिनेंट्स का पूरे 3 एलिमेंट्स यदि कंटिन्यूअस किसी रो के या किसी कॉलम के एलिमेंट्स यदि 0 हो जाए, मतलब सपोज a1 b1 c1 के जगह में मैं लिख दूं 0 0 0 कंटिन्यूअस, या तो किसी रो में, किसी भी रो में ना, एनी वन आर एनी कॉलम, तो इफ द एलिमेंट्स ऑफ द एनी रो आर एनी कॉलम इज कंटिन्यूअस 0, देन द टोटल वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स इज 0, तब पूरे डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, दैट मीन्स ये 0 हो जाएगा। क्लियर, इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। तो जैसे ही मैं अपनी, देखिए प्रॉपर्टी का कोई प्रॉपर ऑर्डर नहीं है, कि कई बार राइटर्स क्या करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ब्रैकेट में देते हैं बाय प्रॉपर्टी फर्स्ट बाय प्रॉपर्टी सेकंड, तो प्रॉपर्टी का कोई ऑर्डर नहीं है। कोई राइटर फर्स्ट प्रॉपर्टी को 6 में बता रहा है, तो कोई राइटर 7 को फर्स्ट में बता रहा है, कोई राइटर 5 को, उसका कोई प्रॉपर ऑर्डर नहीं है, अपनी सुविधा के अनुसार हम। तो मेरा अपना एक प्रॉपर ऑर्डर है कि मैं सिमिलर टाइप के प्रॉपर्टी को एक साथ बताता हूँ, तो आप बहुत ध्यान से इसको समझिए और लर्न करिए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने क्या बताया, मैं 0 पर फोकस पहले बात कर रहा हूँ। तो यदि किसी भी डिटर्मिनेंट्स के कंटिन्यूअस रो या कॉलम के, तो 0 होते हैं। क्लियर, पहली प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई।
इसके बाद सेकंड नंबर प्रॉपर्टी यही बता दूं मैं आपको, डेल इक्वल टू, सपोज अपने पास इस तरह से कोई डिटर्मिनेंट्स ऐसा है ए वन बी वन सी वन, सेकंड इज ऑल्सो ए वन बी वन सी वन, एंड सपोज दिस इज ए थ्री बी थ्री सी थ्री। यहाँ पर आप देख रहे हो कि फर्स्ट रो और सेकंड रो के जो एलिमेंट्स हैं वो आइडेंटिकल हैं, मतलब सेम टू सेम है, ए वन बी वन सी वन, ए वन बी वन सी वन, ये दोनों रो के एलिमेंट्स क्या हैं, बराबर हैं। तो ऐसे डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू भी क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर? बिल्कुल आप प्रॉपर्टी को रट डालो, क्योंकि आगे मैं क्वेश्चन बहुत तेज़ी से बताऊंगा आपको, और मैं चाहूंगा कि आप उतने तेज़ी से उसको रिसीव करो, ये तभी पॉसिबल है कि इनको आप समझे रहो। क्लियर? इसलिए बहुत रिलैक्स, मैं आज इस वीडियो को जब स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग से मेरी प्लानिंग थी कि आज मैं सिर्फ प्रॉपर्टी पर डेप्थ में बात करूंगा, क्योंकि फटाफट प्रॉपर्टी को बता देता हूँ। क्वेश्चन देखो, एक चीज़ आप ध्यान रखना हमेशा, मैथमेटिक्स में यदि आपको बहुत अच्छा कमांड करना है तो एक बढ़िया ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ, मैं कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर नहीं किया और कई हजार क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर डाला, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन सपोज मैंने कॉन्सेप्ट को बहुत गहराई से क्लियर किया और मैंने केवल 50 क्वेश्चन किया, तो हो सकता है मैं कोई भी क्वेश्चन बनाने का कैलिबर डेवलप कर सकता हूँ। इसलिए आप चीज़ों को ऐसा समझिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में नंबर ऑफ क्वेश्चन तो इनफाइनाइट हैं, कभी आप गिन नहीं पाएंगे। आप हजार राइटर, मेरी स्थिति वैसी है, इतने बुक्स पढ़ने के बाद रोज़ दो चार नए क्वेश्चन मुझे दिख जाते हैं, कह रहे ये तो मैं कभी देखा ही नहीं, लेकिन ट्राई करने में बन जाता है। क्यों? क्योंकि उस क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर है। अदरवाइज हम हमेशा क्या सोचते हैं, ये वाला क्वेश्चन मेरा तभी बनेगा जिसको मैं कब ही उसको बनाए रहा हूँ या मेरे से बना, तो पॉसिबल नहीं है ना। मैथमेटिक्स में नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने ज़्यादा हैं कि आप कभी हो सकता है रिपीट। इसीलिए आईआईटी जेई का आप देखिए 20 साल 25 साल के आप नीट का तो बात नहीं है, तो फिजिक्स की बात है, तो आप उसमें देखोगे तो क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए कभी। कभी रेयर आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा जो एज इट इज़ आया, ना फ्यूचर में कोई उम्मीद है कि हम 20 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर डालें और उसके बेस पर हम उसको बना डालें। इन चीज़ों से यदि आपको निपटना है तो एक ही फंडा है आपके पास कि आप सभी चैप्टर में, मैं केवल डिटर्मिनेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आप सभी चैप्टर में कॉन्सेप्ट पर टाइम दीजिए। एक बार आपको उसको टाइम देना पड़ेगा, फिर फार एवर वो प्रिपेयर हो गया, आप उसको हड़बड़ी में मत पढ़िए कभी भी। क्लियर? तो दो प्रॉपर्टी क्लियर आपको, फर्स्ट क्या, कंटिन्यूस एलिमेंट जीरो हो तो डिटर्मिनेंट्स जीरो होता है, यही लिख देता हूँ मैं। दूसरा मैं क्या बताया कि दो रो या दो कॉलम, ऐसा नहीं कि रो में ही, दो रो या दो कॉलम के एलिमेंट्स यदि सेम हो तो भी डिटर्मिनेंट्स जीरो होता है। नाउ थर्ड इज, सपोज अपने पास एक डिटर्मिनेंट्स इस तरह से है, ये सब मैं ए वन बी वन सी वन का एग्जाम्पल लेकर आपको बता रहा हूँ, ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, ए थ्री बी थ्री सी थ्री। क्लियर? तो यहाँ पर देखो, यदि मैं किसी एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट्स को म्यूचुअली इंटरचेंज करना चाहता हूँ, आपस में बदलना चाहता हूँ, मतलब इसको मैं लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, इस तरह से मैं इसको यहाँ और इसको यहाँ लिखना चाहता हूँ, तो हो जाएगा बी वन बी टू बी थ्री, और इसको यहाँ लिखना चाहता हूँ ए वन ए टू ए थ्री, और ये तो अपनी जगह में रहेगा सी वन सी टू सी थ्री। सपोज मैं यदि ऐसा करना चाहा तो ये जो नया डिटर्मिनेंट्स बनेगा वो निगेटिव हो जाएगा, पहले के डिटर्मिनेंट्स का निगेटिव हो जाएगा, मतलब वो सामने माइनस का डेल है या डी लिख सकते हैं हम, माइनस डेल हो जाएगा। कहने का मतलब प्रॉपर्टी क्या कहता है, यदि एक रो या एक कॉलम को आपस में बदला जाए, इंटरचेंज किया जाए, ये इसका जगह ले लिया या इसका जगह ले लिया, या ऐसी रो में भी, देखिए जितनी प्रॉपर्टी मैं आपको रो के लिए बताऊंगा दैट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर कॉलम। क्लियर? जो रो के लिए एप्लीकेबल है वो कॉलम के लिए भी एप्लीकेबल होगा, उसके लिए उसे बार बार बताने की जरूरत नहीं कि हम कॉलम में भी कर सकते हैं कि हम रो में भी कर सकते हैं। यदि मैं रो के लिए प्रॉपर्टी बता रहा हूँ तो कॉलम में एप्लीकेबल होगा, वो उसमें भी हम उसको उपयोग में ला सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी इसी से रिलेटेड है, यदि तीनों आपस में बदल जाएँ, तीनों आपस में बदल जाएँ, मतलब जैसे इसी में मैं लिख दूँ इसको डेल इक्वल टू, मैं तीनों को आपस में बदल रहा हूँ, इसको यहाँ लिख रहा हूँ और इसको वहाँ लिख रहा हूँ, उसको वहाँ लिख रहा हूँ,
मतलब इसको मैं यहाँ लिख गया, देखिए इसको यहाँ लिख दिया, ये हो गया B1, B2, B3, इसको मैं यहाँ लिख दिया, और इसको C को भी मैं उसके जगह को बदल दिया, C1, C2, C3, और उसको वहाँ बदल दिया, A1, A2, A3। अभी आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि सर ऐसा करके क्या फ़ायदा होगा, जब क्वेश्चन करोगे तो आपको पता चलेगा। मैथमेटिक्स की यही खूबसूरती है क्या, कि जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ते रहते हैं तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है ऐसा करके क्या मिलेगा, लेकिन जब उसी को हम क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं तो फिर मज़ा आता है कि हाँ अरे हमने इसके लिए उसको ऐसा किया था। हो सकता है इन प्रॉपर्टी को सॉल्व करने के अभी बाद में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन लिखा था वो दो लाइन में बन जाए, तो वो क्वेश्चन करने पर आपको मज़ा आएगा। तो फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या बताया मैं, यहाँ बताया था कि एक रो या एक कॉलम यदि म्यूचुअली एक्सचेंज हो तो हमारा डिटर्मिनेंट्स निगेटिव हो जाएगा। इसमें क्या बताया, तीनों अपनी जगह को बदल लें, मान लो तीन लोग हैं, मैं उसकी जगह में चल दिया, वो मेरी जगह में आ गया, वो भी अपनी जगह को बीच वाले की जगह में चल, तो माइनस नहीं होगा, दैट मीन्स दैट इज डेल, तब वह डेल ही रहेगा। और कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक्चुअल में ये दो बार चेंज होने से दो बार माइनस हुआ है। आप कॉन्सेप्ट में जाके बात करिए, ये यहाँ आया तो अपने आप को माइनस कर लिया, लेकिन फिर वहाँ आया तो फिर एक बार माइनस हो गया, तो बाहर दो बार माइनस निकलेगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, दैट मीन्स नो चेंज। तो कॉन्सेप्ट ये है, मैं रट्टा मारने का नहीं है कि सब चेंज होते हैं तो मतलब कोई चेंज, ऐसा नहीं, चेंज हुआ है एक्चुअल में, उसमें एक रो एक दूसरे रो के पास गया तो माइनस कर लिया, लेकिन तीसरा वाला रो फिर दूसरे के पास आया तो खुद माइनस कर लिया, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, क्लियर। तो ये होता है प्रॉपर्टी नंबर 4, बहुत आसान है प्रॉपर्टी, बस दिमाग में बिठाने की बात है। प्रॉपर्टी नंबर 5, ये सपोज यहाँ पर एक मैं इस तरह से डिटर्मिनेंट्स लिखूं कि A1 प्लस अल्फा 1, इसके बाद B1 प्लस बीटा 1, फिर C1 प्लस गामा 1, ऐसा लिख दिया मैंने, और ये है B1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। मतलब पहले एलिमेंट के साथ प्लस अल्फा 1 है, दूसरे के साथ प्लस बीटा 1 है, तीसरे के साथ प्लस गामा 1 है। अब इसको मैं दो डिटर्मिनेंट्स में एक्सपांड करना चाहूँ तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, फर्स्ट में इसका पहला एलिमेंट A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 ये हो जाएगा, और प्लस करके इसको हम इसके सेकंड वाले एलिमेंट्स को लेके एक नया डिटर्मिनेंट्स लिख सकते हैं, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1, और बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो कॉपी होंगे A2 B2 C2 A3 B3 C3, क्लियर। तो क्या बताया मैंने यहाँ पर, देखिए यदि इनके साथ में कोई और एलिमेंट ऐड हो रहा हो तो उनको लेके प्लस लिख के हम उसको अलग डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये है प्रॉपर्टी नंबर 5, उसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये 5 प्रॉपर्टी मैंने क्लियर किया, अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ और आप ध्यान रखना, ठीक है। वैसे सभी प्रॉपर्टी आपको आप बुक में भी मिलेंगे, लेकिन बुक से पढ़ना और उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करना बहुत अलग है, मैं उसको एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, उसमें समझते जाइए। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, देखिए आपको मैट्रिसेस का याद होगा, ऑब्वियू का याद होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा यूज होगा, ये 6 नंबर। सपोज A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 ये है। अब हम चाहते हैं कि हम इस रो में या इस कॉलम में किसी नंबर को मल्टीप्लाई करके हम दूसरे के साथ ऐड करना चाहें, ये तो पता है आपको, ये तो मैट्रिक्स में मैं बहुत पढ़ाया, जो हम डायरेक्ट इन्वर्स निकाले, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम चाहें तो R1 टेंस टू R1 प्लस 3R2 ऐसा लिख सकते हैं, मतलब आप समझ गया तो बहुत किए हो आप। कहने का मतलब क्या, फर्स्ट रो में मैं रो सेकंड में 3 मल्टीप्लाई करके एड लिख सकता हूँ, और जो रिजल्ट आएगा इसको करने से उसको कहाँ लिखेंगे, R1 में,
सबसे ज्यादा यही प्रॉपर्टी यूज होने वाला है, सबसे ज्यादा जो आप मैट्रिक्स में खूब यूज किए हो। और एक खास बात है, एक जो बहुत डिफरेंस है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स में, जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, वहां पर मैं आपको बताया था, याद होगा कि यदि हम किसी क्वेश्चन में रो में एक्सचेंज करना शुरू करते हैं तो लास्ट आंसर के जाते तक रो ही यूज करेंगे, बीच में कॉलम में उस एप्लीकेशन को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन डिटरमिनेंट्स कहता है कि जब आपकी मर्जी है रो में करो, जब आपकी मर्जी है कॉलम में। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको C1 C2 में कर सकता हूँ, मैंने कभी रो में कर दिए, कभी कॉलम में कर दिए। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहता है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करके एड या सब्सट्रैक्ट दोनों काम किया जा सकता है, जोड़ा या घटाया जा सकता है। क्लियर? तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा यूज होता है प्रॉपर्टी, ये आप ध्यान रखना। इसके बाद 7th नंबर का प्रॉपर्टी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, भी देखिए। डेल, सपोज डेल इक्वल टू, यही नंबर है अपने पास A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3। अब मुझे ज़रूरत है कि मैं चाहता हूँ कि इसमें पूरे इस रो में मैं कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऐसा मैं करना चाह रहा हूँ, तो नेचुरली किया जा सकता है। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, K का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो K A1, K B1, K C1, उसके बाद A2, B2, C2, A3, B3, C3। ध्यान रखना ये मल्टीप्लिकेशन केवल एक रो में या केवल एक कॉलम में होगा, सब में नहीं होगा। यदि यही मैट्रिक्स रहता तो पूरे के पूरे रो और पूरे के पूरे कॉलम में होता, सब में एक साथ होता, लेकिन डिटरमिनेंट्स में ऐसा नहीं होता। डिटरमिनेंट्स में सिर्फ एक रो में होगा या एक कॉलम में होगा। तो K मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो लेफ्ट हैंड साइड में भी K का मल्टीप्लाई हो जाएगा, K into del हो जाएगा। मतलब जैसे समीकरण के दोनों पक्षों में हम कोई चीज़ का गुणा कर सकते हैं, वैसे यहाँ पर भी हम K का लेफ्ट साइड में भी मल्टीप्लाई किए और K का राइट साइड में भी मल्टीप्लाई किए। लेकिन ओनली वन रो आर ओनली वन कॉलम, एनी वन, ऐसा नहीं कि केवल इसमें, जहाँ ज़रूरत है जहाँ जरूरत वहाँ अपन कर लेते हैं। क्लियर? ये हो गया इसका 7th नंबर प्रॉपर्टी। और 8th नंबर का एक यूनिक प्रॉपर्टी मैं आपको बता देता हूँ, जिसको मैं बाद में अलग से पढ़ाऊँगा आपको, जो कि रेयर ऑफ द रेयर है, और मैं अभी उसको कितना भी आपको बताऊँ आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि उस प्रॉपर्टी के बाद तुरंत एक क्वेश्चन मुझे बताना पड़ेगा, अदरवाइज वो नहीं बनेगा। तो प्रॉपर्टी 8 मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ, बाकी मैं आगे के किसी वीडियो में उस पर एक क्वेश्चन लूँगा और आपको उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो ये प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट क्या है कि सपोज हमारे पास कोई डिटरमिनेंट ऐसा है जिसमें एक्स वेरिएबल यूज़ किया गया है, सब में कोई एक चर राशि एक्स यूज़ किया गया है, और वो कोई समीकरण के रूप में है। तो सपोज यदि इस एक्स के जगह में मैं एक्स माइनस ए रखूँ, सपोज एक्स के जगह में मैं एक्स माइनस ए रखूँ, तो पूरा मेरा डिटरमिनेंट जीरो हो रहा है, मतलब एक्स माइनस ए उस डिटरमिनेंट्स को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक्स माइनस ए उसका एक फैक्टर होगा, मतलब उसका एक गुणा, क्या बोलते हैं, गुणनखंड होगा। फैक्टर होगा मतलब क्या होगा, उसका एक गुणनखंड होगा, यह आप ध्यान रखना। इस तरह से हम उसका एक गुणनखंड उसको लिख सकते हैं। तो अभी आपको अजीब लग रहा होगा कि सर कैसे गुणनखंड हो जाता है, ये प्रॉपर्टी आप अप्लाई किए बिना नहीं कर सकते। अच्छा, एक खास बात, ये 8th नंबर का प्रॉपर्टी कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन में ही अप्लाई होते हैं, हर जगह नहीं होते, इसलिए ये रिजर्व है, मिसलेनियस है, इस पर ज़्यादा आपको अभी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अभी आप जो जनरल क्वेश्चन करोगे वो जनरल क्वेश्चन में इसका हम यूज़ नहीं करेंगे। इसका स्पेशल क्वेश्चन है, दैट मीन्स मैं प्रॉपर्टी 8 पर बेस्ड क्वेश्चन पर आपसे अलग से बात करूंगा, इसको अभी आप भूल जाओ। क्लियर? तो ये 7 प्रॉपर्टी के बेस पर हमको क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए अब इस प्रॉपर्टी पर कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, फिर अपने को पता चलेगा। बाकी मेजर क्वेश्चन तो नेक्स्ट वीडियो में ही कराऊंगा। अगला वीडियो मेरा कंप्लीट प्रैक्टिस क्वेश्चन पर बेस्ड होगा, अभी से आपको बता दूं, अगले वीडियो पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ओनली क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको मेरा एक सजेशन है कि
कि इस वीडियो में प्रॉपर्टी समझने के बाद आप अपने पास जो भी बुक होगा, एनी वन, देखिए बुक के राइटर पब्लिकेशन के पीछे मैंने जाने का है, सब बुक अच्छे हैं, जो भी बुक आपके पास होगा वहां से क्वेश्चन उठाओ, प्रैक्टिस करो। कुछ क्वेश्चन मैं अभी करता हूँ, ओके। तो अभी हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं और हम एप्लीकेशन को अप्लाई करके देखते हैं। कुछ टेक्निकल और छोटे छोटे क्वेश्चन मैं आपको इस तरीके से बताना चाहता हूँ ताकि मैं दो काम आपसे करा सकूँ। पहला तो ये कि मैं कुछ क्वेश्चन आपसे करा सकूँ, और दूसरा इम्पॉर्टेंट बात ये कि उस क्वेश्चन के हेल्प से आपको मैं एप्लीकेशन को अप्लाई करना सिखा सकूँ, कि जो प्रॉपर्टी मैंने भी बताया उसको कैसे यूज़ करें। वही क्वेश्चन अपन पहले ले लेते हैं जिसको हम कठिन है बोल रहे थे विस्तार करने से, क्लियर। उस क्वेश्चन को ले लेते हैं जो मैं लिखा था और सॉल्व नहीं किया था, याद है आपको, ये 111। यही है ना, 998 999 999 9000। ये क्वेश्चन। अब अभी मैं क्या बताया, एक तरीका हमारे पास क्या था, डायरेक्ट ओपन करना, सीधा उसको विस्तार करना, और दूसरा तरीका क्या था, प्रॉपर्टी लगाना। अब यहाँ पर दो मिनट का मेरा डिस्कशन आप ध्यान से सुन लो कि प्रॉपर्टी लगा के हम करते क्या हैं, प्रॉपर्टी क्यों अप्लाई करते हैं। हमारा समस्या क्या था, हमारा समस्या ये था कि ये नंबर बड़े बड़े हैं, यही प्रॉब्लम था ना। ये नंबर छोटे होते, अभी 1 2 3 4 होता तो फटाफट ओपन करते, कहाँ प्रॉपर्टी के झंझट में पड़ते अपन। समस्या क्या था, नंबर बड़े हैं, तो सॉल्यूशन क्या है, नंबर छोटे करने हैं। आ रही मेरी बात समझ में, जो प्रॉब्लम उसी का तो सॉल्यूशन खोजेंगे। इसलिए मैंने आपके दिमाग में पहले प्रॉब्लम डाला था कि भाई हमारा प्रॉब्लम ये था कि डिटरमिनेंट्स के एलिमेंट्स बड़े बड़े हो जाएं तो हमको सीधा ओपन करने प्रॉब्लम होता है, तो हमने प्रॉपर्टी डेवलप किया। अब प्रॉपर्टी का करेगा क्या, नंबर को छोटा करेगा। तो आपको टोटल फोकस होना है कि हम इसके नंबर को छोटा कैसे कर सकें। तो वन वन को छोटा करें क्या, नहीं करें, क्या जरूरत है, वन तो छोटा है। परेशान ये कर रहे हैं, इनको छोटा करेंगे अपन। इनको छोटा करने के बाद जितना छोटा हो जाए, तो मैथमेटिक्स में सबसे मज़ेदार छोटा नंबर क्या है, जीरो। बड़ा कैलकुलेशन करते समय यदि कहीं पर इतना 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 इंटू जीरो आ जाए, कितना मज़ा आता है ना। मेरे को एक जोक ध्यान में आ रहा है, आपसे शेयर कर रहा हूँ, जीरो का। जीरो मेरा सबसे फेवरेट डिजिट है मैथमेटिक्स में, सिर्फ एक जगह बुरा लगता है जब वो मार्क्स में मिलता है, बाकी सब जगह मज़ेदार है वो। बहुत बड़े डिजिट के बाद ब्रैकेट के बाहर इंटू जीरो होता है तो एक मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को जितनी खुशी होती है उसकी बात ही अलग है, वो मैथ्स वाला ही समझ सकता है। तो उस पर एक जोक है मेरे ध्यान में आ रहा है, आपसे शेयर कर रहा हूँ मैं। एक बार हमारे टीचर ने, या किसी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, कहीं का सुना कि किसी स्कूल में हिस्ट्री और मैथमेटिक्स के टीचर में लड़ाई हो जाती है, वाद विवाद हो जाता है, तो नेचुरली जो टीचर जिस सब्जेक्ट का तो उस लैंग्वेज पर बात करता है, वो नेचुरली आ जाता है। जैसे हम ये अपने फ्रेंड्स लोग के बीच में बात करते हैं तो फिजिक्स के टेक्निकल वर्ड्स, मैथमेटिक्स के टेक्निकल वर्ड्स हमारे कम्युनिकेशन में एंटर हो जाते हैं। उसके साथ मेरा रेजोनेंस अच्छा नहीं है बोल देंगे अपन, दूसरा आदमी बोलेगा संबंध अच्छा नहीं है, तो ऐसा जनरली हो जाता है, वो बिहेवियर में आ जाता है। तो हिस्ट्री के टीचर ने मैथमेटिक्स के टीचर को बोला कि तुम मेरे से इधर उधर नहीं करो, नहीं तो मैं पूरी अकबर की सेना को तो अटैक के लिए तुम्हारे ऊपर भेज दूंगा, पूरी अकबर की सेना से आक्रमण करा दूंगा। तो मैथमेटिक्स का टीचर बोलता है कोई दिक्कत नहीं, अकबर की सेना को ब्रैकेट में करके इंटू जीरो कर दूंगा, जीरो से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये है मैथमेटिक्स का जीरो। और ऐसा भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमने दिया उसको, हमने मतलब भारत ने दिया उसको, है कि नहीं। तो दैट मीन्स मैं यहाँ पर वो आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें जीरो आ जाए पूछना ही क्या फिर। तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र दे रहा हूँ, वो ये है कि आपको जैसे डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन मिले तो आप क्या करो, जीरो लाने का कोशिश करो। जीरो सबसे बेस्ट है, जीरो नहीं आया तो छोटे से छोटे डिजिट लाने का कोशिश करो, क्लियर। तो यहाँ अच्छा, जितने जीरो आ जाए अच्छा है, एक दो नहीं, एक आ जाए तो अच्छा है, दो आ जाए तो अच्छा है, तीन आ जाए तो कुछ नहीं क्या। पहली प्रॉपर्टी में बताया कि लगातार तीन जीरो आ जाए तो डिटरमिनेंट्स फटाफट
साल। तो यहाँ पर देखो आप, हम जीरो देखो, डिटर्मिनेंट्स बनाने का तरीका बहुत है, बहुत सारे तरीके हैं, जो आदमी जैसा सोच ले। इसी क्वेश्चन को चलो मैं आपको आज दो तीन तरीके से बना के बताता हूँ, ताकि थोड़ा सा आपको माइंड ओपन हो, ठीक है। अब मैं पहले डिजिट को छोटा करना चाहता हूँ, तो मैं क्या किया, यहाँ पर मैं एक ऑपरेशन, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी अप्लाई किया, ये कॉलम फर्स्ट है C1, तो C1 में, सॉरी कॉलम C2 में मैं लिखना चाह रहा हूँ, मतलब टेंस टू C2 - C3। नेचुरली यहाँ पर आपको दिख रहा है ये दोनों डिजिट में ज़्यादा अंतर नहीं है, और इसमें मैं इसको माइनस करूँ तो डिजिट बहुत छोटा हो जाएगा। तो ये काम कर दिया मैं, तो 1 1 1 इसको ऐसे ही रहने दो। अब इसमें मैं माइनस कर दिया 1, आप मैं डायरेक्ट माइनस कर रहा हूँ, आप एक लाइन और लिख लेना भाई, ठीक है, क्योंकि ऐसा डायरेक्ट नहीं लिखना चाहिए, माइनस यहाँ शो करना चाहिए। वैसे छोटा क्वेश्चन है, लिख दोगे तो भी चलेगा। तो इसमें ये माइनस होगा तो कितना होगा, 98 है, ठीक है, 99 101 3 आएगा, क्लियर। तो ये कितना आ गया, 3 आ गया। इसमें देखो 3 3 का अंतर तो ऐसे क्रिएट करके रखा गया है, ये 3 आ गया, क्लियर। अब यहाँ पर 998 999, ये 1000, देखो ये है प्रॉपर्टी डेवलप करने का मतलब। प्रॉपर्टी डेवलप नहीं होता तो सोचो क्या हाल होता, ये बड़े बड़े 3 3 बन गए। अब हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, ये पूरे कॉलम से 3 कॉमन कर सकते हैं, तो 3 में कॉमन कर दिया, क्योंकि यदि कोई कॉमन होता हो तो कॉमन कर सकते हैं। 1 1 1 1 1 1 9 9 8 9 9 9 और 1000, क्लियर। अब अभी मैं प्रॉपर्टी नंबर 2 में आपको बताया कि यदि दो रो या दो कॉलम के एलिमेंट्स आइडेंटिकल हों, प्रॉपर्टी ना, प्रॉपर्टी का वीडियो को आपको सुन के मेरी बात हंसी आएगी या मजाक लगेगा, यदि आपको प्रॉपर्टी ठीक से तैयार नहीं हुआ है ना, तो प्लीज़ मेरा आपको सजेशन है कि प्रॉपर्टी के वीडियो को 10 बार देखो आप। लेकिन अगले वीडियो में जब आप मेरे साथ मिलोगे तो मेरे हर स्टूडेंट को प्रॉपर्टी बिल्कुल माइक्रोसेकंड में आना चाहिए कि सर यहाँ पर ये लगाना चाहिए, फिर देखो डिटर्मिनेंट्स में कैसा मजा आता है। अदरवाइज बहुत बर्डन है, ये बहुत बर्डन है। कई बार मुझे लेंदी क्वेश्चन स्टूडेंट लाइफ में भी और अभी भी टीचिंग में भी कोई लेंदी क्वेश्चन एकदम बकवास लगने लगता है कि क्या मैथमेटिक्स इसमें क्या करूं कैसे करूं, लेकिन वहीं पर यदि सूटेबल प्रॉपर्टी आप लगा दिए तो बिल्कुल क्विक आंसर आ जाता है। तो वो प्रॉपर्टी पर कमांड पर डिपेंड करता है, क्लियर। तो अभी हम प्रॉपर्टी 2 में क्या पढ़े हैं कि दो रो या दो कॉलम के एलिमेंट सेम हो तो 0 होता है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो गया। तो 3 × 0 = 0, देखो 0 आ गया। अब इसी 0 को आप डायरेक्ट ओपन करके लाते हैं, करके देखना, आपके पास टाइम हो तो एक क्वेश्चन जो मैं बताया था वैसे ही फर्स्ट के लिए साल्व करना, इसके साथ मल्टीप्लाई करना, फिर इसके लिए साल्व करना और साल्व करना, और देखना इतना बड़ा बड़ा नंबर आएगा और सब लास्ट में कटेंगे और आएगा 0, और एक ऐसे 0 ला दिया। दैट मीन्स मतलब मैं एक सीरियस मैटर आपसे बोलूँ तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना एक आर्ट है, एक कला है कि आप कितना अच्छा प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हो। तो सोचो आज मैं कितने बार 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 आपको सुन के भी लग रहा है सर प्रॉपर्टी पर इतना, तो वही सब कुछ है। मेरा बहुत लॉन्ग एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है कि स्टूडेंट टीचिंग में डिटर्मिनेंट्स पर बहुत दिक्कत महसूस करते हैं, मुझे बार बार बोलते हैं सर बनता नहीं, फिर मैं प्रॉपर्टी पूछूंगा तो सर ठीक से पता नहीं, तो वो दिक्कत है, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं करोगे, आप प्रॉपर्टी पहले कमांड करोगे। एक आध दो क्वेश्चन और बता दूं मैं, तो ये तो फिर और मेथड इसमें बताने की जरूरत नहीं, और क्या क्या कर सकते थे अभी मैं ओरल बता देता हूँ। कोई इस रो में इस रो को माइनस करे तो यहाँ 1 0 आ जाएगा, इस रो में इसको माइनस करे तो यहाँ 0 आ जाएगा, फिर हम 1 के लिए सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट यही है, इससे बेस्ट नहीं है, इससे और तरीके सॉल्व करेंगे तो 2 लाइन एक्स्ट्रा ही आएगा, इससे कम नहीं आ सकता, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स में तो बहुत बार ऐसा होता है कि मेरा रेगुलर क्लास का एक्सपीरियंस है कि ये स्टूडेंट के प्रैक्टिस पर बेस्ड है। मेरे साथ बहुत बार ऐसी घटना हुई है कि मैंने किसी क्वेश्चन को क्लास में बताया, कोई लेंदी क्वेश्चन, सपोज मैंने 15 स्टेप में बताया किसी क्वेश्चन को भी, ऐसा क्वेश्चन आपको बताऊंगा आगे, मैं बता के क्लास में गया 15 स्टेप में, अगले दिन मेरा एक स्टूडेंट क्लास में आया बोला सर वो तो 8 स्टेप में बन गया, कैसे, तो मैं ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी लगाया। तो इसमें कहने, अच्छा प्रॉपर्टी आपको याद रहेगा नहीं कि मैं ऐसा लगाया था। अभी मैं किसी को इस प्रॉपर्टी से बताया
फिर कोई दो दिन बाद मेरे से पूछेगा तो पता चला दूसरी प्रॉपर्टी लगा दिया, फिर किसी दिन पूछे तो कोई और प्रॉपर्टी लगा दिया। दैट मीन्स यहाँ पर हमको कोई याद नहीं रहता। एट ए टाइम आप उसको जितना अच्छा सोच सकते हैं उसी हिसाब से वो डिसाइड होता है। ठीक है, चलिए मैं एक आध क्वेश्चन आपको और बता दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा से एग्जाम में, एक इतना फेमस क्वेश्चन है, ये हमेशा एग्जाम में आता है, बहुत से एग्जाम में ये क्वेश्चन आते रहता है। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि ये उस पर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इकाई के घनमूल पर आधारित है। मैं 2 क्लास 2 में भी बताया था आपको, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वन, क्लियर। और ये है ओमेगा स्क्वायर वन ओमेगा, इसका वैल्यू फाइंड करो। नेचुरली आपको दिख रहा है, ऐसे ही दिख रहा है, ये आज मैं इजी क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, इतना इजी क्वेश्चन नहीं, ये टेक्निकल क्वेश्चन है, रहने के लिए ये इजी है लेकिन थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। तो हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, लास्ट वीडियो में मैं बताया था 1 होता है, और यहाँ पर हमको सीधा दिख रहा है कि सब को हम ऐड कर दें, जोड़ दें, चाहे रो वाइज चाहे कॉलम वाइज, वही बनने वाला है। तो हम इसमें क्या करते हैं, R1 में फर्स्ट रो में क्या कर देते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसा भी कर सकते हैं ना, मतलब हम R1 में तीनों रो के एलिमेंट को जोड़ के लिख रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो तीनों यहाँ जुड़ेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्लियर। और ये भी यहाँ पर ऐड होगा तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वन ओमेगा, दैट इक्वल। अब ये और ये इस प्रॉपर्टी से क्या होते हैं, 0, तो हो गया 0 0 0, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वन ओमेगा स्क्वायर वन ओमेगा। और प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि किसी रो के सभी एलिमेंट्स या कॉलम के एलिमेंट 0 हो जाएं तो डिटर्मिनेंट्स क्या हो जाता है, 0, ये 0 हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भले 2 लाइन का है, इस प्रॉपर्टी के कारण अच्छा है। तो ये देखिए हम प्रॉपर्टी लगा के बना रहे, इसी को यदि आप डायरेक्ट ओपन करोगे तो भी 0 आएगा, लेकिन सोचो कि क्या हाल होगा, इसके लिए सॉल्व करोगे इतना माइनस इतना, कितना बकवास है। तो आप समझ गए होंगे, आज का टोटल मेरा फोकस था कि मैं डिटर्मिनेंट्स के वो दोनों मेथड पर आपको कंपेरेटिवली आपसे डिस्कशन करूं कि डायरेक्ट ओपन करने से क्या प्रॉब्लम था, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैसे प्रॉपर्टी डेवलप किया गया, और प्रॉपर्टी से हम कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। तो आज मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताया, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर एक बार आपको याद दिलाता हूँ, या ओनली क्वेश्चन करेंगे जो टोटल प्रॉपर्टी पर बेस्ड होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आपको मेरा एक सजेशन है कि इसके बाद आपको क्या करना है, इस वीडियो को बार बार देख के आपको प्रॉपर्टी को अच्छे से सीखना है, उसके बाद शांत नहीं बैठना है, जो बुक आपके पास है उस बुक से इस पर बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, अपने हिसाब से प्रॉपर्टी लगाने का प्रयास करना है, क्योंकि मैथमेटिक्स में जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका कमांड होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू।